हाय गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह थोड़ा सा इन लोगों को मतलब सेवा करने के लिए बैठी हूँ। इन लोगों को भी तो सेवा चाहिए, बताइए। ये कैसे झूल गया ना ऐसे नीचे, ये ऐसे टूट जा रहा है। तो ये उस दिन जो प्लांट लाई थी वहाँ से कोकोपीट, और उन लोगों ने बोला कि ये मिट्टी और कोकोपीट दोनों मिला के है। तो हाँ अच्छा, भाड़वे से लिए कंपोस्ट भी है तो अच्छा है। तो इसमें तो कोकोपीट ही लगता है। जो मैं क्या की थी जानते हैं, इधर ले आओ नारियल जो था ना, मेरे को दिखाओ। ये देखिए वो नारियल जो था ना मेरे पास, तो उसका जो क्या बोलते हैं ऊपर का जो छिलका निकलता है उसको मैं इधर में ना ऐसे करके थोड़ा सा दे दी हूँ, क्योंकि ये जो बीच बीच का जो ये हिस्सा है ना, यही मतलब ग्राइंडर में पीस के उसको कोकोपीट मतलब निकालते हैं। तो हम लोग तो उतना नहीं निकाल सकते। मैं एक बार कोशिश भी की हूँ जानते हैं, तब मैं एमपी में रहती थी तो मिक्सी में मैं यूट्यूब में ही वीडियो देखी कि कोकोपीट ऐसे निकाल सकते हैं। तो मैं कुछ नारियल का ऐसा छिलका मतलब मैं जुगाड़ की, फिर उसको ले आके ना मैं बड़ा वाला जो पीसने का जार होता है मिक्सर ग्राइंडर का, उसमें पीस के निकाली भी थी। इतना सा निकला था तो बहुत ये है मतलब क्या है, मुश्किल का काम है ये सब जुगाड़ करो, ले आओ फिर उसको चुन के छोटा छोटा करके दो, तो उससे अच्छा है कि खरीद ही लो। तो अभी देखती हूँ, ये थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी और इसका भी जो कटिंग करके ना मैं इसी में ही डालूँगी, देखती हूँ होता है कि नहीं। तो थोड़ा सा सुबह सुबह पौधे का मतलब तो सेवा करना हो गया। तो दो तीन पौधे ही है, मैं क्या करूं अभी। एक्चुअली क्या है ना, घर जाने का प्लान है तो मैं इसीलिए ना नहीं ले पा रही हूँ। मैं सोची थी कि लेने जाऊंगी, मैं आपको बोली ना कि घर से निकलते ही एक ये है, दो दिन पहले बताई थी हम लोगों को कि नर्सरी है तो उसमें से लेके आऊंगी। मम्मी बोल रही है कि फिर तुम इधर आओगी फिर पौधे में पानी डालना नहीं होगा तो वो सूख जाएगा, तो उससे अच्छा है तुम घूम के फिर जाओ फिर उसके बाद तुम खरीदना। तो मम्मी ठीक ही बोल रही है, तो इसीलिए मैं रुक गई। और ये सब में क्या है, दो तीन दिन बाद पानी दो तो भी चलेगा, तो इसका कुछ ना कुछ एक बंदोबस्त करके जाती हूँ। देखती हूँ ये दो तीन पौधे का मैं क्या करती हूँ। और आज लंच में बन रहा है फूल गोभी आलू की सब्जी, यहाँ पे काट के धो के रखी हूँ। और यहाँ पे बीट की एक सब्जी बनेगी, उसको भी मैं धो के रखी हूँ। और दाल कल का है तो इसीलिए इस टाइम हमारा मेरा और पेखम का हो जाएगा। और एग बनाऊंगी, या तो फिर बॉयल एग करूंगी या तो फिर पोज बनाऊंगी, और आम की चटनी भी है तो बहुत सारा हो गया तो इसीलिए। और अभी पेखम यहाँ से एक चीज़ लेके गई है, क्या कर रही है दिखाती हूँ, रुकिए ये देखिए दिखाओ बीट। अरे देखो लिप्स को बीट ले आके यहाँ पे आके, और अभी लिपस्टिक हो गया, फिर आई शेडो भी हो रहा है ये देखिए। बच्चों का मतलब क्या बोले, यहाँ से लेके गई है, मेरे को बोली है कि मम्मी देखो मैं लिपस्टिक लगा के आई हूँ। लिपस्टिक कहाँ से लगा के आई हो देखी, फिर मैं देखी नहीं ये तो थोड़ा सा दूसरा कलर लग रहा है, मैं तुम बीट लेके गई हो ना। फिर यहाँ से लेके जा रही है और उसे घिस रही है, आंखों पे लगा रही है, बोल रही है कि अभी डॉल की शादी है मतलब ये उसमें जाएगी, बच्चों का जो खेलना होता है वही। और आज ब्रेकफास्ट का ही मैं बता देती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट में यहाँ पे है पराठा और यहाँ पे पनीर की सब्जी। नील भी आज टिफिन में वही लेके गए हैं कि पनीर की सब्जी, और नहीं पराठा खा के गए हैं, रोटी लेके गए हैं, बोल रहे कि नहीं मैं पराठा खा के जाऊँगा रोटी लेके जाऊँगा। तेल में 5 फोड़न एकदम तीखी वाली मिर्ची एंड प्याज, ये जो मिर्ची है ना ये बहुत तीखी है क्योंकि ये मैं बीट की सब्जी बना रही हूँ, तो बीट जैसे ऑलरेडी मतलब मीठा होता है तो उसमें थोड़ा सा तीखी वाली मिर्ची डालेंगे ना तो ये वाली सब्जी खाने में
बहुत अच्छा लगता है। जैसे सूखी चावल, सूखी सब्जी मतलब बनाऊंगी ये, मतलब चावल के साथ ये खाने में अच्छा लगता है। मैं सूखी चावल बोल रही हूँ उल्टा पुल्टा बोल ही देती हूँ मैं। अब ये थोड़ा सा फ्राई फ्राई हो गया, अब इसमें मैं ये थोड़ा बीट डाल दूँगी, अंदाजा से नमक और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी चुटकी भर, एंड अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करके मैं इसको ढक दूँगी। अब ये अपने आप धीरे धीरे पकता रहेगा। इधर गोभी आलू की सब्जी चला रही हूँ। तेल में जीरा, दो इलायची और तेज पत्ता डाल दिया, फिर इसमें मैं ये सब डाल दूँगी। जब तक उधर में वो बीट की सब्जी बन रहा है तब तक मैं इधर गोभी आलू की सब्जी बना लेती हूँ। मैं आज अलग से गोभी फ्राई करके आलू बॉईल करके ऐसे नहीं कर रही हूँ, साथ में ही आज बैठा दिया क्योंकि मेरा आज थोड़ा लेट हो गया है खाना बनाना, बहुत कुछ काम कर रही थी और अभी भी बाकी है। आज एक चीज़ सोच के रखी हूँ कि पुराना जो कपड़ा है ना तो उसको छाट के मतलब अलग करूँगी, तो इसीलिए जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, बन जाएगा तो इजी हो जाएगा। इसमें भी हो जाता है लेकिन हाँ ये होगा क्या, गोभी अलग से फ्राई करके आलू को अलग से करके उसका जो टेस्ट होता है उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, बट इसमें भी पक जाएगा। तो अभी फिलहाल इसको ढक देती हूँ मैं, इसको ढक्कन कहाँ गया। ये अब तक यहाँ पे पके और इसको बीच बीच में एक बार करके चला के देना है, नहीं तो नीचे पकड़ जाएगा तो फिर मुश्किल है। एक बार करके चला दिया तो नीचे नहीं लगेगा। जब तक मेरा सब्जी पक रहा है मैं सोची ये धोने के लिए दी थी मिल्की मिस्ट का जो दही लाई थी ना 1 kg का, तो ये डब्बा मैं सोच रही हूँ उसमें ये जो कोकोपीट और मिल्की का जो मिक्स है इसको मैं इसी में डाल के रखती हूँ, पैकेट में अच्छा नहीं रहेगा तो इसी में डाल दूँगी। इतना भर गया और थोड़ा सा रह गया, ठीक है कुछ दिन बाद तो पौधे लगाएंगे तब तो ये काम में आ जाएगा। तो जितना भरा उतना इसमें बंद करके रख देते हैं, और इसको भी कहाँ गया वो रबर बैंड, इधर है, इसको बंद करके रख देते हैं। उधर सब्जी पक रहा है, ये देखिए ये वाली सब्जी भी ना बन गया, थोड़ा एग्जॉस्ट चल रहा है तो आवाज आएगा फैन का। ये देखिए कितना सारा दिए थे ना, तो ये कम हो जाता है जब ये पक जाता है ना सब्जी, एकदम इतू सा हो जाता है। तो अभी ये बन गया, गैस को बंद, और इधर अभी गोभी बन रहा है। ये देखिए गोभी आलू फ्राई फ्राई हो गया ना, तो आलू भी देखिए कट जा रहा है, तो ये पक ही गया है। अब इसमें मैं एक एक करके सब दे दूँगी, जैसे टमाटर, अदरक मिर्ची का पेस्ट, हल्दी पाउडर, और जीरा पाउडर, इसमें धनिया पाउडर नहीं डालेंगे, और थोड़ी सी शुगर, ये हम लोग मतलब बंगाली लोग ऐड करते हैं सब्जी में। अच्छे से मिक्स करना है, इसको फ्राई होने के लिए नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था तो मैं और नमक नहीं डालूंगी, बस ये मतलब मसाला थोड़ा सा भून गया और मैं इसमें अभी पानी डाल दूंगी। हम लोग एक्चुअली हर सब्जी प्याज लहसुन डाल के नहीं खाते हैं, हम लोग ऐसे भी खाते हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा लास्ट में क्या करूंगी, 1 चम्मच घी और थोड़ी सी चुटकी भर गरम मसाला डालूंगी, तो अच्छा लगता है। जैसे भगवान का जैसे भोग होता है ना, तो उसमें जैसे जो खाना बनता है तो ऐसे ही बनता है, उसमें ज़्यादा मसाला ये सब तो प्याज लहसुन तो रहता नहीं है। और हम लोग बंगाली घर में आप लोग फूलगोभी की सब्जी, परवल की सब्जी, ये सब ना हम लोग मतलब ऐसे ही बनाते हैं, प्याज लहसुन नहीं डालते हैं, हर एक सब्जी में प्याज लहसुन अच्छा नहीं लगता।
ये देखिए बन गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा होममेड गरम मसाला दे रही हूँ और एक चम्मच घी। चलिए खाना तो बन गया, सिर्फ राइस बनाना बाकी है और एग। देखती हूँ बेगम को पूछ के, वो पूछ बोलेगी तो पूछ बनाऊंगी दोनों के लिए, और जो अगर बोलेगी कि बॉयल मम्मी तो दोनों के लिए बॉयल ही बनेगा। फिलहाल अभी नहा के पूजा करके फिर कपड़ा छांटूंगी कि कैसे कौन सा देना है। आदमी बहुत भर गया है अभी, मतलब कपड़ा खरीदने का मन ही नहीं होता। मैं रखूंगी तो कहाँ रखूंगी, तीन तीन अलमीरा है फिर भी सब भरा हुआ है। तो आज मैं सोची हूँ कि आज इसको खाली करूँगी, जिसको जिसको देना है वो सब दे दूँगी। तो चलिए ये सब बाद में होगा, पहले फिलहाल नहा के पूजा वूजा कर लेते हैं। आप लोगों को बताई थी ना कि कपड़ा छांट के रखूँगी, तो कुछ कुछ कपड़ा मैं इधर से जो दो अलमारी है उसमें से एक छांट के रखी हूँ, उधर वाले अलमारी से भी छांटना है। ये देखिए यहाँ पे रखी हूँ, ये नील का ये वाला है और यहाँ पे है मेरा, कुछ कुछ नया नया टाइप का कुर्ती भी है और ये पेखम का है। नील भी एक्चुअली ऑफिस से आ गए हैं हाँ जल्दी, इधर में उनका कुछ काम था तो आ रहे थे, तो इधर में काम जल्दी हो भी गया तो सीधा घर आ गए हैं। तो ठीक है, तो नील आ गया तो मैं नील को बोली कि आपको जो जो देना है वो दे दीजिए। तो नील बोल रहे कुछ शर्ट भी देना है, तो वो उस अलमारी में है, तो अभी तुरंत आए हैं तो उन्होंने निकाल के दिया। मैं बोल रहा कि रुको मैं थोड़ा सा फ्रेश होके फिर निकाल के देता हूँ। ठीक है आप निकाल के दो। और फिलहाल अभी पेखम का डिमांड आया है, बोल रही है कि स्टारबक्स का क्या कॉफ़ी चाहिए उसको, स्टारबक्स का कॉफ़ी क्या ये सब मतलब लग्जरी इसका दिमाग में घुस रहा है पता नहीं। अभी मैं बोली हूँ कि ये फ्रिज में आइसक्रीम है, एक्चुअली परसों नील आइसक्रीम लाए थे, मैं बोल रही थी कि फ्रूट सलाद बनाऊंगी, जैसे एप्पल छोटा छोटा काट के फिर ग्रेप्स ये सब डाल के एक बाउल में फिर उसके ऊपर आइसक्रीम दे के फ्रूट सलाद कितना अच्छा लगता है ना ये गर्मी के टाइम में। तो मैं नील को बोल रही थी कि अमूल का वनीला लाना, क्योंकि वनीला आइसक्रीम ही उसमें जाता है और कोई आइसक्रीम अच्छा नहीं लगता फ्रूट सलाद के साथ। तो वो है, तो मैं बोली कि चलो ठीक है तुमको कोल्ड कॉफ़ी मैं बना के खिलाती हूँ स्टारबक्स जैसा ही होगा। अभी उसको बोली हूँ तो बैठ के उधर टीवी देख रही है, तो मैं जाती हूँ अभी वही बनाने के लिए। मेरे पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो मैंने चॉकलेट को ही थोड़ा सा मेल्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, ये ग्लास में थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए ये चॉकलेट सिरप यूज़ करूँगी। अब ये सबको मैं ना फ्रीज में रख दूंगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, मतलब तो ज्यादा देर के लिए नहीं, 5-10 मिनट के लिए, जब तक मतलब मैं कॉफी बनाती हूँ उस देर तक। पहले एक कटोरी में मैं ये 2 चम्मच कॉफी ले लेती हूँ और थोड़ा सा गर्म पानी और 3 चम्मच शुगर पूरा भर के, थोड़ा सा मीठा मीठा होता है ना, और थोड़ा सा दे देती हूँ। और इसी में ना इसको ना पहले घोल लेंगे फिर इसको मैं मिक्सी में डालूंगी। इसमें मैंने क्या किया, इस कटोरी में जैसे चीनी को जैसे मिक्सी में डालेंगे ना तो वो नीचे दाना दाना रह ही जाता है, तो मैं इसीलिए इस कटोरी में इसको मिक्स कर लिया। इसमें मैं एकदम चिल्ड मतलब मिल्क डाल रही हूँ, फ्रिज में रखा हुआ एकदम चिल्ड। पेखम को स्पून एंड स्ट्रॉ दोनों चाहिए और बोल रही है इतना बड़ा ग्लास भर भर के दो मम्मी, ये बहुत बड़ा ग्लास है, लो पियो। ये चूड़ी पहन के हार पहन के सब खेल रही थी अपना डॉल लेके। हाँ अच्छा बना हुआ, हुआ। तो चलिए हम लोग भी पी लेते हैं, उसको अच्छा लगा, मन शांति हुआ, उसका मन शांति पेट शांति सब हो जाए, कितना दिमाग खाती है। अभी कॉफी पी के थोड़ा बैल्कनी में आई हूँ, अच्छा हवा चलता है मैं बोलती हूँ ना,
इस वाला बालकनी में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। और नीचे से सब जा रहे हैं, कौन कैसा क्या हुआ अच्छा लग रहा है। कैसा लगा बोलो, कैसा पिलाया मैंने? बहुत बढ़िया ना। पेखम तो सोचिए, मतलब उसका तो डिमांड का और ख़त्म ही नहीं है। पेखम क्या बोल रही है जानते हैं? मम्मी और एक दिन बनाना, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बैठे बैठे हंस रही है। यहाँ पे अच्छा लगता है ना इस बालकनी में? लो आपका फोन आ गया। नील छुट्टी पे रहे, घर पे रहे, कभी भी रहे, इनका ऑफिस का काम और ऑफिस का फोन ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। मैं क्या करूँ? हाँ, मैं बोली कि चलो बालकनी में चलते हैं, दोनों थोड़ा बातें करेंगे, अच्छा लगता है ना। फोन आ गया। आज ऑफिस का काम के लिए भी जल्दी से घर आए ना, इधर में ही आए थे काम करने के लिए, थोड़ा सा दूर में तो यही रास्ते में पड़ता है। तो बोला कि और ऑफिस घूम के कौन जाएगा, घूम के जाते जाते ऑफिस तो ख़त्म ही हो जाएगा टाइम, तो मैं घर ही आ जाता हूँ। तो घर आ गए थे। अभी थोड़ा मार्केट भी जाना है, कुछ कुछ सब्जी भाजी ख़त्म हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ। कौन गया मैं देखती हूँ कि कौन कहाँ जा रहा है। हाँ, अच्छा लगता है। वो देखिए एकदम दूर में ये जो एकदम नहीं फोकस नहीं हो रहा है। हाँ फोकस हो जाए। आ हो गया। ये जो उधर वाला रोड है ना, उधर वाला रोड में वो देखिए लाल लाल दिख रहा है, वो टमाटर वहाँ पे सब्जी बैठता है। रुकी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए सब सब्जी, फूल की दुकान, फिर फ्रूट्स सब लेके बैठते हैं, एकदम लंबा लाइन देके एकदम इधर से उधर तक। तो बस अब सब्जी भाजी लेने जाना है, तो सब्जी मछली लेने भी जाऊंगी, थोड़ा सा वॉकिंग भी हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और नील आ गया तो साथ में चलेंगे, साथ में आएंगे। और फिलहाल इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही पेंट करती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल में जो नए फ्रेंड्स हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।